1970 में सोवियत यूनियन ने एक बहुत ही अजीब प्रोजेक्ट हाथ में लिया। रशिया में सबसे डीपेस्ट बोरहोल करने की शुरुआत की गई, जिसे कोला सुपर डीप बोरहोल कहा जाता है। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट को डिजाइन किया गया था आखिर अर्थ क्रस्ट के नीचे क्या है वो जानने के लिए, जिसमें कई तरह के मेटल्स और मिनरल्स निकाले जाने थे। इस सुपर डीप बोरहोल को लगभग 12 किलोमीटर नीचे तक खोदा गया, जिसमें कई तरह के अनएक्सपेक्टेड जियोलॉजिकल फॉर्मेशन देखने मिले। 12 किलोमीटर के बाद टेम्परेचर इतना ज्यादा बढ़ गया कि इंस्ट्रूमेंट ने काम करना बंद कर दिया, जिसकी वजह से इस प्रोजेक्ट को वही रोकना पड़ा। 1990 में इस कोला डीप होल को लेकर कई बातें फैलने लगी थी। एक टीवी शो ने यह क्लेम किया कि यह होल एक नर्क का दरवाजा है, जिसमें अंदर से कुछ इस तरह की आवाजें आते हैं।